दीपिका की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ गोभी आलू मटर टमाटर की रेसिपी। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। गोभी आलू मटर टमाटर बनाने के लिए एक मीडियम साइज की गोभी पीसेस में कटी हुई, एक मीडियम प्याज रफली चॉप, दो बड़े आलू लंबे लंबे कटे हुए, आधा कप हरी मटर के दाने, एक प्याज का पेस्ट, एक टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, एक बड़ा टमाटर कटा हुआ, 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल, स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून किचन किंग मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इस कढ़ाई में ऑयल गरम होने के लिए डाल देंगे। ऑयल गरम हो गया है और इस गरम ऑयल में हम कटे हुए आलू को डालकर फ्राई कर लेंगे। हम इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर सुनहरा ना हो जाए। ये देखिए आलू फ्राई होके सुनहरे हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हम इसी ऑयल में गोभी को फ्राई होने के लिए डाल देंगे और इसे भी हम सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारी गोभी भी फ्राई हो गई है। अब हम इसे भी बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसी ऑयल में तेज पत्ता डाल देंगे और इसे थोड़ा सा भून लेंगे। तेज पत्ता हो गया है। अब हम इसमें कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे और इसे सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारी प्याज सुनहरी हो गई है। अब हम इसमें प्याज का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे भी हम सुनहरा होने तक भून लेंगे। इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। तब तक हम इस पेस्ट को भूनेंगे जब तक कि यह ऑयल ना छोड़ दे। ये देखिए हमारी प्याज भुन गई है। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, किचन किंग मसाला, गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके 30 सेकेंड के लिए भून लेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच पाए। ये देखिए मसाले भुंज गए हैं। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और इसे हम गला लेंगे। टमाटर को अच्छे से मिक्स करके लो फ्लेम पे ढककर टमाटर को पकने देंगे। देखिए हमारे टमाटर गल गए हैं। अब हम इसमें मटर ऐड कर देंगे और इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम इसमें फ्राई की हुई गोभी और आलू ऐड कर देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे। आप चाहे तो ग्रेवी को अपने हिसाब से पतली या गाढ़ी कर सकते हैं। अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए तेज आंच में पकने देंगे। देखिए तैयार है हमारी आलू गोभी मटर की सब्जी।
अब हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे और गैस को बंद कर देंगे। हमारी ये रेसिपी बनाकर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और अब हम इसे सर्व करेंगे। इसे हम रोटी राइस किसी के भी साथ खा सकते हैं।